हर हर महादेव। भगवान शिव और पार्वती की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। इस अध्याय में मैं आपको नागपंचमी के व्रत का महत्व बताऊंगी। इसे सुनने के लिए हमसे अंत तक जुड़े रहें। यदि आपने हमारे पहले के अध्याय अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन अध्यायों को देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि भगवान शिव की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। तो बोलो हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं 14वां अध्याय। हे महामुने, अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को जो व्रत करनी है उसे मैं बताऊंगा, आप उसे सुनिए। चतुर्थी को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दही, शुभ दुर्वा कुरो, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के पुष्पों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, कारकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रुको को भी हल्दी और चंदन से भीत पर लिखकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करें। तदंतर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वाल्मीकि वामी में प्रत्येक नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पण करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पण करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बालकों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत दृढ़ होते हैं। वाल्मीकि के पास श्रृंगार आदि से युक्त स्त्रियों को गायन अथवा वादन करना चाहिए और महान उत्सव मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी बह नहीं होता। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मृत्यु प्राप्त करके अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूर्ण होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को यह भोजन कराएं। किसी पुराण गाता ब्राह्मण को रतन जटित सुरम्य नाग और सभी उपस्कारों से युक्त और बछड़े सहित गो प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए ये कहना चाहिए। हे गोविंद, मेरे कुल में जो कोई लोग सर्प से दंशित होकर अधोगति को प्राप्त हुए हैं वह मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्तिपूर्वक जल में छोड़ दे। हे मुनिसत्तम, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा पूर्व में मर चुके हैं वे स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही
हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपनी सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त शाठ्य से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण गृहदान का प्रतिग्रह करते हैं वह भी घोर यातना भोगकर अंत में सर्प योनि प्राप्त करते हैं। हे मुनि सत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्यपन के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रख के उसे स्वयं ग्रहण कर लेने अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त शाट्य से रहित होकर नागपंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदा शिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति की सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों की इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया है। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं मुझे बतलाइए। ओम नमः शिवाय। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे व हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।